उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर है। पार्टी को यहां स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि भाजपा नेता व सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। खटीमा सीट से उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने हराया है। धामी की हार के साथ उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की हार का सिलसिला भी बरकरार रहा। पहले भुवन चंद्र खंडूरी, फिर हरीश रावत, तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा सीट को नहीं बचा पाए हैं। धामी की हार के साथ ही यह चर्चा भी तेज हो गई है कि राज्य में अब भाजपा का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। दरअसल चुनाव से 6 महीने पहले भाजपा ने यहां पर सीएम के 3 चेहरे बदले थे। उत्तराखंड में शानदार जीत का इनाम पुष्कर धामी को मिल सकता है। संभव है कि खटीमा से हार के बावजूद भाजपा उन्हें इनाम दे। जानकारी के मुताबिक हार के बाद भी सीएम पद के चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्हें 6 महीने पहले ही सीएम बनाया गया था। इतने कम समय में भी उन्होंने राज्य में संगठन को संभाला और सत्ता विरोधी लहर को खत्म किया। लेकिन भाजपा यहां अनिल बलूनी को भी सीएम बना सकती है। दरअसल राज्यसभा सांसद बलूनी गृह मंत्री अमित शाह की करीबी हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। खैर, कयासों के तर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सभी को चौंका भी सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व राज्य में सीएम के रूप में किसी नए चेहरे को लेकर आए। उत्तराखंड में पहले भी पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर भाजपा नेतृत्व ने सभी को हैरान कर दिया था। इससे पहले भी मोदी व शाह की जोड़ी कई ऐसे निर्णय ले चुकी है जिन्होंने सभी को चौंकाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।